हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन विद यम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज का पराठा। ये पराठा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे रोज़ मांग कर खाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल डो गूंद लेना है गेहूं के आटे से। तो ये थोड़ा सा गीला डो है, स्टफिंग के लिए आपको गीला डो ही चाहिए। ये मैंने एक बोल के बराबर पत्ता गोभी और थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा उसमें मैंने जो है हरी मिर्ची डाली और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला भी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा ही रेड चिली पाउडर और ये कस्तूरी मेथी आपको क्या करना है हाथों से ऐसे ही क्रश करके डाल देना है। डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसमें मैं डालूंगी MDH का किचन किंग मसाला जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं असाइड कर दूंगी। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप धनिया पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप आटे का एक पेड़ा लीजिए और इसको गोल करके चिपटा कर लीजिए और थोड़ा सा बेलन की हेल्प से इसको बेल लीजिए। और मैंने करीबन स्टफिंग इस पर डाली है करीबन 2 स्पून के बराबर। आपको जितनी स्टफिंग रिक्वायर्ड हो आप डाल सकते हैं अपने पेड़े के अकॉर्डिंग। इस स्टफिंग को डालने के बाद मैं किनारों को ऐसे फोल्ड करते हुए सबको इकट्ठा करूँगी। तो सारी किनारों को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब आप ऐसे ही हाथों पे रोल करते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे और बस इसको हाथों से ऐसे ही चपटा करके थोड़ा सा आटा लगाकर आप इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से आप इसको उलट पुलट कर बेलिए। देखिए जैसे मैं हल्के हाथों से इसको बेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है और बेलने के बाद मेरा तवा भी एकदम गर्म हो चुका है तो मैं इस पर डाल दे रही हूँ ये। तो एक साइड पकने के बाद अब इसे पलट दीजिए और दूसरी साइड लगा दीजिए घी या फिर जो भी आप ऑयल खाते हों। तो इसके बाद पलट कर दूसरे साइड भी लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ही पलटे से प्रेस करते हुए इसको पका लीजिए ताकि चकतियाँ काफ़ी अच्छी आ जाए और खाने में तो बहुत ही यम्मी है ये। तो चलिए मैं आपको इसको फाड़ कर दिखाऊंगी कि ये पराठा अंदर से कैसा है। मैं यहाँ पे कैबेज पकाया नहीं, मैंने कच्चा ही कैबेज यूज़ किया जो खाने में बहुत क्रंचनेस देता है तो बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होगा अगर कैबेज इस तरीके से हाफ कुक्ड होगा तो। तो देखिए अंदर कैबेज की स्टफिंग और खाने में क्या क्रंचनेस है। तो बहुत ही अच्छा और यम्मी पराठा बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये 5 मिनट रेसिपी है, बस आटे में आप थोड़ा सा कैबेज यही सारी चीज़ें मिक्स करके आप बना लीजिए इजली और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें।